हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR का एक और डिवीजन से आपका TV के रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट को मेल जारी किया जा चुका है। जिन जिन कैंडिडेट का रंगिया डिवीजन की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल आया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओवरऑल परसेंटेज के साथ साथ अपना कैटेगरी और ट्रेड जरूर जरूर बताएगा। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है कल ही सभी को जारी कर दिया गया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें मेल के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया, पर मैं कल यहाँ पे नहीं था। कल मैं किसी अर्जेंट वर्क से बाहर गया था जिसके कारण आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया। पर कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम सारे डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है, कौन कौन से ट्रेड वालों को यहाँ पे आया है और किस ट्रेड वालों को किस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सीधे हम इसके ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग नोटिस आया है, इंस्ट्रक्शन आया है, उस पर लेके चलते हैं और बारीकी से सारा प्रोसेस को समझते तो अगर हैं। बात करें NFR का टोटल अगर 5636 पोस्ट पे अपेंडिसशिप के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे टोटल 7 डिवीज़न में से रंगिया को लेकर 6 डिवीज़न का DV के रिगार्डिंग मेल सभी को आ गया है। और बस सभी यहाँ पे बात करें रंगिया को छोड़कर सारे बाकी जितने और आपका कितने डिवीज़न बच रहे हैं, 5 डिवीज़न, और सभी का DV आपका कंप्लीट हो गया है। और रंगिया को मिला लेंगे तो 6 डिवीज़न का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सभी को मेल जा चुका है। सिर्फ आपका एक डिवीज़न यहाँ पे बच रहा है जो कटिहार का है। कटिहार का भी आपको जैसे ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा रंगिया डिवीज़न का, सेम आपको 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पे कटिहार डिवीज़न के रिगार्डिंग भी आप सभी को मेल आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अभी फाइनली हम इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन है उस पर है। देखिए, ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर रंगिया 30/11/2022 के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। यहाँ पे देखिए, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एक्ट अपेंडिसशिप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द ईयर ऑफ एज पर RRCGHY नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 30/5/2022, मतलब 30 मई के आधार पर जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर यहाँ पे सभी कैंडिडेट को यहाँ पे ये जो मेल है वो जारी किया गया है। देखिए, ये जो मेल है जितने भी कैंडिडेट को जारी किया गया है वो सभी रंगिया डिवीजन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्टेड है। द शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैज बिन फिक्स्ड एज अंडर। यहाँ पे आपको टोटल 4 सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। पहला आपका इलेक्ट्रिकल, दूसरा SNT, यहाँ पे SNT देखने को मिलेगा, दूसरा आपका इंजीनियरिंग और चौथा आपका मैकेनिकल देखने को मिलेगा। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SNT का मतलब हुआ। अगर यहीं पे ट्रेड का बात करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, देन आपका इंजीनियरिंग में आपका रहेगा पेंटर, प्लम्बर, मैसून एंड कारपेंटर। और अगर बात करें मैकेनिकल से तो आपका रेफ्रिजरेटर, AC मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। अगर वहीं बात करें इलेक्ट्रीशियन में 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है, मतलब 5 और 6 दिसंबर 2 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा इलेक्ट्रीशियन का। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 2 नंबर में बात करें, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो उसका आपका 7 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। इंजीनियरिंग में बात करेंगे, जिसमें आपका पेंटर, प्लम्बर, मैसोन और कारपेंटर है, उसका भी आपका 7 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, सिर्फ 1 दिन। अगर मैकेनिकल से बात करें तो रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, इसका आपका सिर्फ एक ही दिन 9 दिसंबर के डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ जाना है वो आप देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे सारे डेटा आपको मेंशन किया गया है। ऑफिस ऑफ द MDDTI RNY नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे रंगिया फ्रॉम आपका 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। चलिए अगर यहाँ पे बात करें कि आपको क्या क्या यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना है, वो भी आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन में ही जारी किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट में बोला गया कि कैंडिडेट फॉर रिस्पेक्टिव ट्रेड आर एडवाइज टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेशन एज पर द एबव शेड्यूल। द कैंडिडेट शुड बीइंग बोथ ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। दी कैंडिडेट सेल हैव बीन सबमिट ऑरिजिनल कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट C और एनेक्सर D के आधार पे आपको बनवा लेना है। इसके साथ साथ आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस डेट को आपको बुलाया गया उस डेट में ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करके लेके जाना है, ओरिजिनल पटअप प्लस फोटोग्राफ दोनों। अगर वहीं पर दूसरे में बात करेंगे तो कैंडिडेट सेल बींग दी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइडेड बाय दी सबमिटेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड हुआ था जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया था, तो उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कैंडिडेट सेल भी
shall have also registered themselves in the apprenticeship training portal and submit the registration number during the document verification. अगर आपने NAPS पे अभी तक 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, उसका भी आपको प्रिंट आउट वहाँ पे लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ आपको कैरी करके लेके जानी है। तो देखिए आप परफॉर्मा का अगर बात करें तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का ये परफॉर्मा है जिसमें आपका एससी और एसटी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इस परफॉर्मा के आधार पे आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना। ऐसा नहीं करना है कि स्टेट लेवल का लेके जाइएगा तो आपको टोकन वेरीफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ सेंट्रल लेवल का लेके जाना है। यह देखिए ओबीसी का ये परफॉर्मा है तो इस परफॉर्मा में ओबीसी वाले लेके जाएंगे। और अगर यहाँ बात करें तो आपका मेडिकल का है, ठीक है, तो इस परफॉर्मा में आपको मेडिकल यहाँ पे बनवा कर लेके जाना है। तो इतने सारे बातों का आपको ख्याल रखना है। बाकी इसके ऊपर आरटीआई किया गया है, इसका कट ऑफ का है रिप्लाई, आरटीआई का रिप्लाई जैसे ही आएगा हम इसका कट ऑफ का वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे आपका जो डीवी के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस था वो फाइनली कंप्लीट कर लिया गया। तो चलिए मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।